हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश आर्टिस्ट आर के। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 3D कार ड्राइंग लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम लोग एक ड्राइंग शीट पे कार का पिक्चर बना लेंगे या उसको ट्रेस कर लेंगे। कार का ड्राइंग करने के बाद मैं टाइम कम लगने के कारण मैंने पहले ही ड्राइंग बना लिया है, और ड्राइंग बनाने के बाद अब मैं इसमें पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। तो पेंसिल से अच्छे तरीके से उसको शेड करेंगे। तो कार का मैंने एक ड्राइंग लिया है, पिक लिया है, और उसी पिक से मैं इसको देखकर बना रहा हूँ। तो जिस पिक से मैंने बनाया है उसको लिंक में मैं ज़रूर डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, उस पिक को मैं डाल दूँगा, उस पिक को देखकर आप भी बना लेना। तो दोस्तों, इसमें सही से धीरे 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 नेचुरल जो शेडिंग होता है वो शेडिंग करेंगे। और 3D कार कैसे बनाते हैं इसके लिए, ये लास्ट में जब आप देखोगे इस वीडियो को तो ये एकदम नेचुरल जैसे लगेगा कि 3D कार पेज के ऊपर रखा हुआ है, जबकि ये पेज पे ही बन रहा है, ड्राइंग शीट पे ही बन रहा है, लेकिन इस पे लगेगा कि नेचुरल खड़ा है। तो कैसे करते हैं इसको देखने के लिए, सीखने के लिए शुरू से अंत तक आपको इस वीडियो को देखना होगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पुश कर लो, ताकि आपको इजी वे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे भी मैं अच्छे अच्छे ड्राइंग डालता रहूँगा जिसे आप देख पाओगे, सीख पाओगे। तो 3D कार सबसे, मैं अपने चैनल में पहली बार 3D स्केच करके मैं डाल रहा हूँ, आप सभी को आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा। और ध्यान से देखना है पूरे वीडियो को, और कैसे मैं इसमें पेंसिल से शेड करके और पेपर स्टैम्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है हमारे ड्राइंग में, पोर्ट्रेट में या किसी भी चीज़ में। तो आप देख रहे हो कि कार का जो लुक है धीरे धीरे नेचुरल होता जा रहा है, और वैसे ही पार्ट बाई पार्ट ब्लेंड करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और धीरे धीरे कार को रियल लुक पेंसिल से देना है। इसमें मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ कैमलिन का HB 3B 8B एंड ब्लैक स्टेडलर, और ब्लैक आउटलाइन का भी एक कलर पेंसिल मैं रखा हूँ, और पेपर स्टैम्प से ब्लेंड करते हुए इसकी खूबसूरती बढ़ाने में पेपर स्टैम्प का बहुत ही बड़ा योगदान है, सहयोग होता है, क्योंकि मिक्सिंग करना बहुत अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप जब 3D कार बनाना चाहते हो, बनाना स्टार्ट करोगे, तो सबसे अगर आपको स्केचिंग आता है तो आप स्केचिंग कर लो ड्राइंग देखकर, पिक देखकर, और अगर नहीं आता है तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो, छाप सकते हो, और छापने के बाद उसको देखकर रियल रूप में। और मुझे लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने लाइट को बढ़ाया है, तो लाइट बढ़ाने के कारण अब अच्छा दिखने लगा। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे नेचुरल लुक होता जा रहा है। तो कैमलिन का जो पेंसिल है बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत चलता है, बनाने में भी मज़ा आता है। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें। मैं हमेशा आप सभी के लिए खूबसूरत वीडियो लेकर आते रहता हूँ, और आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मेरे वीडियो को अगर आप लाइक कर लिए हो तो शेयर भी कर लेना साथ साथ, ताकि और भी बच्चे और बिगनर सीख पाएँ। और नेचुरल शेडिंग कैसे किया जाता है इसके लिए शुरू से अंत तक देखें, और ध्यान से देखें और फॉलो करें, तो आप भी नेचुरल शेडिंग करना सीख जाओगे। इसमें मैंने थोड़ा सा रेड का कलर यूज किया है, ऑरेंज एंड रेड, और ब्लैक टेक्निकल पेन से। इसमें कहीं कहीं पर ज़्यादा डार्क लाइन की ज़रूरत थी तो उसमें मैंने यूज किया है। इस पेन का भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस पेन का क्या नाम है। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये नेचुरल लुक में आता जा रहा है। तो क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा लगेगा कि पेज के ऊपर रखा हुआ है, तो इसको सीखने के लिए शुरू से अंत तक देखें और 3D कार बनाना सीखें।
पेंसिल शेडिंग में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये शेडिंग जो है आप अच्छे से शेडिंग और ब्लेंडिंग अगर करते हो तो 3D लुक देना कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चे का रिक्वायरमेंट था और बहुत सारे व्यूअर भी बोल रहे थे कि आप 3D पिक कोई डालो, तो मैं पहली बार 3D पिक डाल रहा हूँ और शायद आप सभी को अच्छा लगेगा। दोस्तों जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे हिम्मत मिलती है, खुशी होती है और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा, क्योंकि जब आप हौसला बढ़ाओगे तो काम करने में मज़ा आएगा। अब लगभग कार का लुक 3D शेडिंग से ही दिखने लगा, लेकिन क्या करेंगे कि ये लगे कि पेपर पे रखा हुआ है। तो अब नीचे में जो उसका शेड है, छाया है, शैडो को नेचुरल बनाना है। शैडो ही उसे 3D बनाता है, 3D लुक देता है। तो लाइट टू डार्क शेडिंग कर रहे हैं बॉटम साइड में। तो पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे शेडिंग करने के बाद, और इसमें मैं सिर्फ पेंसिल से ही शेड कर रहा हूँ, इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं कर रहा हूँ। पेंसिल को ही लाइट टू डार्क चलाना है वन डायरेक्शन में। और भी 3D से रिलेटेड, 3D ड्राइंग और पेंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर करें और मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें, ताकि मैं उसे पढ़कर समझ सकूं कि आप क्या चाह रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट देना, और भी मैं आगे कोशिश करूँगा खूबसूरत वीडियो डालने का, 3D या जो भी आप डिमांड करोगे। इसके पहले वाला जो मैंने अपने चैनल में जो डाला है पोर्ट्रेट, वो सोनू सूद का पोर्ट्रेट मैंने डाला है, हाउ टू ड्रॉ सोनू सूद, जो अभी गरीबों का मसीहा बनकर उभरे हुए हैं, उनका मैंने पोर्ट्रेट डाला है। और 2 दिन हो चुका है उन डाले हुए वो पोर्ट्रेट, और मैं ये अब 3D कार बना के डाल रहा हूँ। ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट्स ज़रूर देना, और इसे शुरू से अंत तक देखें तो आप एकदम ज़रूर सीख जाओगे। बहुत ही इजी है बनाना, शेडिंग में ध्यान रखना है। और अब ये लगभग कंप्लीट हो गया शेडिंग और बॉटम साइड का भी शैडो। अब इसको मैं सीजर से इसको हाफ पार्ट में काट के निकाल लूँगा। देखो कि मैं कैसे काट रहा हूँ पेज को, और ऊपर से जितना कार का जहाँ तक एरिया है उसको भी काट के निकाल लेना है। सीजर से मैं काट के इसको निकाल रहा हूँ। ध्यान से इसे देखो कि कैसे इसका 3D लुक देते हैं। हाफ पेपर को मैं काट रहा हूँ, इसको सीजर से काट के निकाल लेना है। सावधानी से काटना है ताकि ड्राइंग ना कटे, इसलिए मैं ऊपर से एक्स्ट्रा पेपर छोड़ते हुए काट रहा हूँ। इसके बाद सही तरीके से फिर इसे काट लेंगे। जहाँ तक शेडिंग का एरिया है, जहाँ तक ड्राइंग है आपका स्केच किया हुआ है, वहाँ तक सटा के सीजर से धीरे धीरे काटना है, ताकि आपका ड्राइंग ना कटे, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो तब जाकर एक ड्राइंग कंप्लीट होता है। तो देखेंगे कि ये करने के बाद बिल्कुल नेचुरल लगेगा, जैसे लगता है कि वो 3D कागज़ के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर कार रखा हुआ है। तो दोस्तों 3D पेंटिंग बनाना कोई भारी चीज़ नहीं है, बस समझना है, ट्रिक्स है। शेडिंग आपको खूबसूरत करना होगा, शेडिंग पे आप जितना मेहनत करो, शेडिंग और ब्लेंडिंग बी मस्ट। तो मैं ये पेपर एक्स्ट्रा जो था वो मैं काट के निकाल दिया,
इस तरह से सीजर से मैं ऊपर से कटिंग करके निकाल लिया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। बैकग्राउंड में एक छोटा सा मेरे पास कारपेट है, मैं उस कारपेट के थ्रू इसका बैकग्राउंड देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि जैसे लग रहा है कि सीट के ऊपर रखा हुआ है। तो देख लो कैसे मैंने काट के निकाला है सीट को। सीट को काट कर निकाल लिया। अब एक छोटा सा कारपेट है, उसका रेड एरिया भी है, ग्रीन एरिया भी है इसमें। तो ग्रीन एरिया को इसका बैकग्राउंड में डालेंगे, वैसे लगेगा जैसे वो रियल में रखा हुआ है, वो साइड से वो लुक दिख रहा है ग्रास एरिया। दैट्स कंप्लीट। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन इजी वे मिलता रहे और अच्छे अच्छे आप ड्राइंग सीखते रहो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी खूबसूरत ड्राइंग और पोर्ट्रेट लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।